अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फातिमा सलीम फ्रॉम MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, फिफ्थ सेमेस्टर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक न्यू फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, विंटर फेस्टिवल, ओनली टू ओनली स्टूडेंट्स के लिए इंगेज किया गया, इस वजह से ताकि स्टडी के साथ फर्दर एक्टिविटीज़ बच्चे इंजॉय कर सकें। तो आज डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो इधर भी किसी ने स्टॉल लगाया, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने किस चीज़ का स्टॉल लगाया और वो किस तरह इस फेस्टिवल को इंजॉय कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोगों ने क्या कहते हैं फ़ोटो बूथ का स्टॉल लगाया और वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट टेक्सटाइल के स्टॉल हैं, क्लॉथिंग के स्टॉल हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, काफ़ी डिफरेंट स्टॉल हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका कि वो इंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। थैंक यू। तो हमारे साथ लेक्चरर मौजूद हैं होम साइंसेज से, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्पा शरीफ है और मैं न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंसेज में। आज विंटर फेस्टिवल हमने अरेंज करवाया और इसका मतलब मकसद सिर्फ यही था कि हम स्टूडेंट्स को इंगेज करें ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि फ़ायदा दें उनको और उनको एज ए सोर्स दें इंटरप्रेन्योरशिप का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉल लगाए हैं, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया और डिज़ाइन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, डिफरेंट हैंडमेड आइटम जिसमें पेंटिंग्स आ जाती हैं, एक्रेलिक पेंटिंग्स आ जाती हैं, हैंडमेड पेंटिंग्स जिसमें स्केचिंग आ जाती है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें समीडा है, मुल्तान चैम्बर ऑफ आर्ट, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, अपने स्टॉल लगाए और हमारे इवेंट को रौनक बख्शी। थैंक यू। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि पॉलिट्री साइंसेज से हैं, तो वो फेस्टिवल को इंजॉय कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं उनके ख्यालात का इज़हार। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेरा मेहरबान है और रहम करने वाला, मेरा नाम समीर हैदर है। अब जैसे कि यहाँ पे ये विंटर फेस्टिवल हो रहा है, ये फेस्टिवल हम सुबह आए थे तो हमने यहाँ से आया इन्जॉय किया, हमने ये यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, हम झूले वगैरह भी ले रहे हैं, ठीक है। और 2 बजे यहाँ पे क्वालिफ फेस्टिवल है, उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमें उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ये एक अच्छा फेस्टिवल होता है और इसमें हमें मज़ा आता है, ठीक है। अब ये पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ हों तो बच्चों का ज़्यादा दिल करता है पढ़ने आने को। अब यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, इस तरफ सारे स्टॉल लगे हुए हैं, अब इस स्टॉल भी हमने विज़िट किया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। इस बारे में हम अपने फैकल्टी मेंबर्स का और जिसी VC साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल दोबारा लगते रहेंगे साथ साथ। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इस फेस्टिवल को इंजॉय कर रहे हैं और क्या एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैसा एंड आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आज का इवेंट है ना हमारे लिए, ये एक बहुत खुशी का इवेंट है। अभी रिसेंटली मिड्स खत्म हुए, उसके बाद स्पोर्ट्स गाला हुआ और उसके बाद दोबारा से एक इस तरह का फेस्टिवल आ गया, ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है। इसके लिए हम VC साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इस तरह का इवेंट कराया और स्टूडेंट को मेंटल सेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर गए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इस फेस्टिवल को इंजॉय कर रही हैं। MNS यूनिवर्सिटी की तरफ से विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है। मैंने डिफरेंट स्टॉल्स का विज़िट किया और मैंने देखा कि हमारे डिपार्टमेंट के काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं, और बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। और हर साल होना चाहिए इसको और हमें प्रमोट करना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो ऐसे मेहनत करते हैं और अपनी हैंडमेड चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, तो उनको लेना भी चाहिए और उनको इनक्रेज करना चाहिए। थैंक यू। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है फूड साइंस डिपार्टमेंट से एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स से, तो इन्होंने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया था, हम इनसे पूछते हैं इन्होंने किस तरह इस फेस्टिवल को एंजॉय किया और इनके स्टॉल से जो इन्होंने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया था इनकी कितनी सेल हुई या कितनी नहीं हुई। MNS यूनिवर्सिटी की तरफ से विंटर फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है और हमारा अपना स्टॉल था ज्वेलरी का, ताकि फ़ीमेल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना जो टैलेंट है उसको प्रमोट कर सकें और वो उतना एंजॉय करें जितना कि मेल करते हैं किसी और इवेंट में। और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा स्टॉल्स का, और मेरा यही कहना है कि हर साल इस तरह के फेस्टिवल्स लगाए जाएं ताकि वुमेंस को या फीमेल्स को आगे हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि फूड एंड होम साइंस डिपार्टमेंट से हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये सारी रौनकें, ये जो रौनकें हैं ये लगाई हैं मंसूएम ने। मंसूएम के जो रौनकें हैं ना वो आप ज़रूर इंजॉय करें। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स को विजिट करें, बहुत मज़े के स्टॉल हैं, डिफरेंट यूनिक आइडियाज़ बच्चे लेके आए हैं, उनको देखें। डिफरेंट स्टॉल्स बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स उन्होंने रखी हुई हैं, उनको इंजॉय करें। और छुट्टियों का कोई फ़ायदा नहीं है, छुट्टियों में आप बिल्कुल स्टम्प्ड माइंड लेके बैठ जाते हो घर में, आप यहाँ पर आके इंजॉय करें और यहाँ पर अपने आप को एक कल्चर के तौर पर अपने आप को इंजॉय करने का मौका दें और फेस्टिवल को खूब इंजॉय करें और अपना बेस्ट दें। थैंक यू सो मच।